हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को पता होगा नेटवर्क एंड लाइन का आपका टेस्ट हुआ था और उसका रिजल्ट आने में 2 दिन लेट हो गया। इसके कुछ कारण है, कुछ ही देर में आप लोग को हम बताएंगे कि किस वजह से ये लेट हुआ, आपका 1-2 दिन जो डिले हुआ किस वजह से हुआ। तो ठीक है, तो आप लोग को ये पता होगा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से ओपन ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया जा रहा है, जिसमें पिछले वीक आपका क्या हुआ था, संडे को आपका नेटवर्क एंड लाइन का टेस्ट नंबर आपका 2 कराया गया था। ठीक है, तो अभी जो आप लोगों को बताया जा रहा है ये रिजल्ट प्लस आपका टेस्ट सॉल्यूशन दोनों। ठीक है, तो आप सभी लोग करना क्या है, आप सभी को कि लिंक को जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, जितना फास्ट हो सके आप लिंक को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के पास जो टेस्ट दिए थे वो भी, नहीं दिए थे वो भी, जल्दी से आप लोग। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि वो वजह क्या है जिसके लिए आपको ये 2 दिन वेट कराया गया रिजल्ट के चलते। तो पहले उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका वजह कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से टी शर्ट का लॉन्च किया जा रहा था, जिसके कारण सारे फैकल्टी बिजी थे। और आज 8 PM पे आपका ये पब्लिश होगा। तो आप सभी जितने स्टूडेंट अभी लाइव बने हुए हैं, ये सभी स्टूडेंट 8 PM से भी लाइव बने रहेंगे। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा सभी लोग लाइव बने रहें, इसमें आपको बहुत से नॉलेज आपको मिलने वाले हैं। द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। 2 टीचर वैसे आए हैं जो अभी तक आपके नज़र में बैकग्राउंड थे, यानी वो अपना बैकग्राउंड से सारा हेल्प कर रहे थे, वो भी टीचर आपके बीच नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद सारे फैकल्टी अपना कुछ ना कुछ बताएंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में। तो ये सारा कुछ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन जो आया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था ये था, इसमें दिया गया क्या था कि बीच रिलेशन इज करेक्ट। बीच रिलेशन इज करेक्ट, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका क्या होता है एग्जामिनेशन में कि कभी कभी नोट देता है, ब्रांच देता है और लूप पूछ लिया जाता है। ये सर्किट से आपको वीडियो में भी हम बताए थे कि अगर सर्किट देगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो वो गलत भी हो सकता है। चलिए, इसके लिए आप सभी लोग आंसर दें क्या होता है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर देंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 10 सेकेंड का आपका टाइम दिया जाता है। तो चलिए, यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो यहाँ पे देखिए, B से B4 आपका ब्रांच शो कर रहा है। ठीक है, B4 आपका ब्रांच शो कर रहा है, L4 आपका लूप शो कर रहा है। ब्रांच L से आपका लूप हो गया और N से आपका नोड हो गया। ठीक है, तो ये 3 है, इसके बीच रिलेशन बताना था। क्या रिलेशन है ब्रांच, लूप एंड नोड में? तो कहीं कहीं होता क्या है कि नोड का वैल्यू देता है कि 5 नोड है, लूप 10 है, तो ब्रांच का वैल्यू क्या होगा। कहीं कहीं ऐसा होता है कि ब्रांच 10 है, लूप 3 है, तो नोड का वैल्यू क्या होगा। तो ये इसका सही जो रिलेशन आता है वो आता है B+N-1। ठीक है, B इक्वल टू L+N-1, यानी ब्रांच इक्वल टू लूप प्लस नोड -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रांच होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इज राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उन्हें पूछा गया है कि किरचॉफ लॉ कितने टाइप का होते हैं। तो ये तो बताने का बात है नहीं, ये क्या बताएं, किरचॉफ लॉ सभी लोग जानते हैं कि ये कितने तरह से होते हैं। तो 2 तरह से होते हैं, कौन कौन? तो फर्स्ट होता है KVL और सेकेंड होता है KCL, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो इसका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ये दोनों आप लोग को पेड कोर्स में बताया जा चुका है क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3rd पे चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा लिया गया, तो 3rd नंबर क्वेश्चन जो पूछा है उसमें आपसे ये पूछा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रखते हैं हम लोग इंडक्टेंस का, तो उसका वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, डिफरेंट रहता है, या फिर आपका बोथ ए एंड बी रहता है या फिर नॉन ऑफ दीज रहता है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या रहता है। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, डिफरेंट होता है। तो ये यहाँ पे अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग बनाना चाहें इंडक्टर का तो ये होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हो जाएगा L1, ये हो जाएगा L2, इसमें जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? तो ये सेम एज इट इज जो होता है रेफरेंस जो इसका आता है ये रजिस्टर से, ये क्या होता है सेम रहता है। यानी रजिस्टर का प्रॉपर्टी और इंडक्टर का प्रॉपर्टी लगभग सेम मिलते हैं, वोल्टेज और ये। तो इसमें भी क्या होता है रजिस्टर में पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होते हैं सेम होते हैं, और यहाँ पे इंडक्टर में भी क्या होता है सेम ही होता है, ठीक है, बल्कि कैपेसिटर में चेंज कर जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था कि दो रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस का R1 है, एक रेसिस्टेंस आपका R2 है। ये आपका R1 है, ये आपका R2 है। इसमें दिया गया R1 इक्वल टू 7.6 ओम और R2 इक्वल टू 8.7 ओम। ये दोनों क्या है सीरीज इक्विवेलेंट निकालना था। तो कितना इजी क्वेश्चन था, सिर्फ दोनों को ऐड कर देना था। ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 8 7 15 7 13 16.3 ओम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के चलते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है इन डॉट 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 सर्किट, यानी बोला जाता है कि सर्किट यहाँ पे कोई गिवन है, उसमें क्या होता है कि टोटल रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। मतलब यहाँ पे बताया जाता है कि अगर यहाँ पे एक सर्किट अगर ये हम बनाते हैं ऐसा सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं, ठीक है, ये इसका 2 ओम देते हैं, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम हम दे देते हैं, ये सॉरी इसको 4 ओम दे के चलते हैं, ठीक है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। तब बताइए इसका टोटल रेजिस्टेंस जो है तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट, तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस क्या है 4 है, ठीक है, तो ये 4 है। अब यहाँ पे बात है कि टोटल रेजिस्टेंस अब सीरीज और पैरेलल की बात किया। अब ये जो सर्किट दिया है आपको सीरीज और पैरेलल से दिए हैं, तो ये दोनों क्या है सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इसको आप क्या कीजिएगा ये ग्रेटर देन क्या हो सकता है, जिसको हम लोग जोड़ेंगे ऐड करेंगे तब तो ये टोटल रेजिस्टेंस जो है, टोटल रेजिस्टेंस क्या ये है, तो जोड़ेंगे तो अगर सीरीज में है तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इसका कितना है 2 है, तो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस 2 है और टोटल रेजिस्टेंस क्या है 4 है। तो ऐसा कब बढ़ रहा है तो सीरीज सर्किट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये। पैरेलल अगर इसको बनाएंगे हम लोग, अगर पैरेलल बनाएंगे तो 2 और 2 का पैरेलल कितना हो जाता है 1 ओम हो जाता है। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया 1 ओम हो गया, और इसका एक रेजिस्टेंस कितना होगा 2 ओम। यहाँ क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है कौन रेजिस्टेंस, तो इसका लार्जेस्ट रेजिस्टेंस जो होता है वही ज्यादा हो जाता है, बल्कि टोटल रेजिस्टेंस इसका कम हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका सीरीज इज करेक्ट आंसर। पैरेलल के लिए आपको बता दिए पैरेलल में कम जाता है, सीरीज में बढ़ जाता है, क्योंकि सीरीज में जुड़ता है और पैरेलल में क्या होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 क्वेश्चन कहता है कि टू पोर्ट नेटवर्क में S22 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइए। यहाँ पे S पैरामीटर सभी कोई पढ़े हैं, तो शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं, या फिर शॉर्ट सर्किट करंट गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो आप बता दें कि एच पैरामीटर जो होता है कि हाइब्रिड पैरामीटर होता है। क्या हाइब्रिड पैरामीटर? हाइब्रिड पैरामीटर में क्या है तो हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स, मिला हुआ, डायमेंशन इसका मिला हुआ रहता है। 2 का डायमेंशन अलग होता है, 2 इसका डायमेंशन लेस हो जाता है। डायमेंशन लेस जो होता है उसमें क्या होता है करंट गेन और वोल्टेज गेन एक होता है। तो यहाँ पे H11 जो होता है कि इनपुट एम्पिडेंस हो जाता है, और H22 जो आपको होता है क्या होता है आउटपुट एडमिटेंस हो जाता है, और H12 और H21 जो होता है वहाँ पे गेन हो जाता है। इसका सही आंसर आपका डी इज राइट आंसर, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्वेश्चन कहता क्या है कि 7 क्वेश्चन में आपका है कि डेल्टा कनेक्शन इज ऑल्सो नोन है। तो आपको हम बताए थे डेल्टा कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क बोला जाता है। पाई नेटवर्क बनता कैसे है, ये कुछ इस तरह का से अगर यहाँ पे एक रेसिस्टेंस और लगेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, पाई नेटवर्क। तो ये किससे रिलेटेड है, वाई कनेक्शन गलत। मेष कनेक्शन, देखिए मेष कनेक्शन जो कनेक्टेड है वो केबीएल से है, और केबीएल क्या होता है, केबीएल एक लूप में लगा रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका लूप बन गया। ये क्या बन गया, एक आपका लूप बन गया। तो इसीलिए ये जो डेल्टा कनेक्शन जो है इसको हम लोग मेष कनेक्शन भी बोल सकते हैं। समझ गए काहे बोलेंगे, क्योंकि ये R1 है, ये आपका R2 है, ये R3 है, तो ये एक लूप बन गया। आप लूप में केबीएल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन तो जो है वो मेष कनेक्शन बोला जा सकता है। अकॉर्डिंग टू इसको हम लोग डीपली में पढ़े तो, और डीपली में आपको बताएं किस तरह बोलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आप 8 पे चलते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी लोग ने ये क्वेश्चन को गलत किया था, शायद उनको समझ में नहीं आया होगा कि टू पोर्ट नेटवर्क जो होता है उसमें रेसिप्रोकल बताना था कि रेसिप्रोकल कौन सा होता है, यानी यहाँ पे सिमेट्रिसिटी और रिप्रोसिटी कंडीशन। तो आई रिप्रोसिटी कंडीशन यहाँ पे आपको बताना था क्या होगा। तो Z11 और Z12 क्या होता है, ये सिमेट्रिसिटी कंडीशन होता है जेड पैरामीटर का। Y12 और Y21 ऐसा कुछ होता नहीं है। H12 और H21 ये ना, ये जो होता है ये इसका बी आंसर सही होता है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होता है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है BC माइनस AD, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ कर दिया गया है BC माइनस का AD इक्वल टू 1, ये 1 को इधर भेज दिया गया है, मतलब हो गया BC माइनस AD इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये रिप्रोसिटी कंडीशन किसका होता है, ABCD पैरामीटर के आपका रिप्रोसिटी कंडीशन होता है। तो समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं, आप लोग कहिएगा कि सर आप तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जिसके लिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं वो चीज़ आप नहीं बता रहे हैं। तो वो चीज़ आप बहुत जल्द आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो क्या है, आप सभी लोग जानते हैं हम किसका बात करने वाले हैं। तो टॉपर स्टूडेंट ऑफ द नेटवर्क एंड अलाइन सब्जेक्ट, टॉपर स्टूडेंट। और कौन सा टॉपर, तो आपका टॉप 5th। आपको यहाँ पे बताएंगे कि टॉप 5th में कौन कौन स्टूडेंट है, किस कॉलेज से हैं और कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो आप बने रहिए, हो सके कि आप टॉप 5 में नहीं आए हो, आप टॉप 3rd हो, टॉप आपका क्या हो, तो टॉप 3rd, 2nd, 1st भी हो सकते हैं। तो आप लोग टेंशन लेना नहीं है, आप पूरे वीडियो में बने रहें, ठीक है। तो चलिए हम लोग रिजल्ट शो ऑन करते हैं और टॉप 5 का रिजल्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। और ये है, देखिए कौन कौन है आपका स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये है प्रदीप कुमार, जीपी डेहरी-ऑन-सोन। तो जीपी डेहरी-ऑन-सोन तो पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। और दूसरा है निशा चौधरी, जीपी दरभंगा। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये 2 स्टूडेंट हैं और इन्होंने टोटल 20 मार्क्स में 9 मार्क्स को गेन करके टॉप 5th रैंक बने हैं, जिसमें प्रदीप कुमार, जीपी डेहरी-ऑन-सोन और निशा चौधरी, जीपी दरभंगा। अगर आप दोनों लाइव हैं तो कमेंट करके हमें बताएं कि सर मैं लाइव हूं। तो आप लोग 9 मार्क्स लाए हैं, ये मार्क्स थोड़ा सा कम है, तो आप लोग इस मार्क्स में इंक्रीज करने का ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें आप ये मार्क्स को इंक्रीज कीजिएगा। आप टॉपर हैं, बहुत अच्छी की बात है। तो आप क्या कीजिए कि 9 मार्क्स जो ला करके टॉप बन रहे हैं ना, तो ये मार्क्स जो आना चाहिए 17 और 18 मार्क्स ला करके आपको टॉप बनना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम आप अच्छा करने का ट्राई कीजिएगा, मैं यही आप लोग से आशा रखता हूं। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका 10 था, क्वेश्चन क्या था, 10 था। 10 क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे देखिए ये है। और ये है पॉइंट कनेक्शन ऑफ 3 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड। तो एक पॉइंट है, क्या है, एक क्या है, एक आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये 3 एलिमेंट या फिर इससे ज़्यादा से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये अगर पॉइंट एन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या ये भी कुछ ही मान सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे पॉइंट इज कनेक्टेड 3 और मोर एलिमेंट, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन है नोड। नोड कितने, तो नोड के लिए कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट से ज़्यादा उसको नोड बोलेंगे। जंक्शन के लिए 3 एलिमेंट होना चाहिए या 3 से फिर ज़्यादा होना चाहिए। तो आप बताइए कि ये 2 है तो 2 एलिमेंट इसमें है तो इसको नोड बोलेंगे, इस पॉइंट को। 2 एलिमेंट से ज़्यादा है तो भी नोड बोलेंगे। अब कम से कम 3 एलिमेंट है तो उसको जंक्शन बोलेंगे हम लोग। तो 3 एलिमेंट भी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों होगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, C इज राइट आंसर, बोथ A एंड B आप लोग समझ गए होंगे कैसे गलती किए थे, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग को गलती नहीं करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए 10 सबसे मजेदार क्वेश्चन था, बार बार हम इस चीज को आप लोग के सामने जिक्र करते हैं और वही है ऑल मेस इज अ लूप। क्या सभी मेस लूप हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको यस, सभी मेस लूप हो सकते हैं, लेकिन सभी लूप मेस नहीं हो सकते हैं। सभी लूप मेस नहीं हो सकते हैं। क्या? फिर से बोले, क्या सभी लूप मेस नहीं हो सकते हैं? लेकिन सभी मेस लूप हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कैसे होगा ये हम लोग बताए हैं पेड कोर्स में, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन क्लास हो, ठीक है? तो आप लोग को भी आप वेट कीजिए, शायद आप लोग को भी बताएं, यूट्यूब पे कभी आएंगे तो वहां भी आपको बताएंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब 11 भी देख लीजिए, ये भी मजेदार क्वेश्चन अभी थोड़ा सा बात किए हैं। ऑल नोड इज अ जंक्शन, क्या सभी नोड जंक्शन हो सकते हैं? तो देखिए जरा, ये और ये दो पॉइंट है, इस पॉइंट नंबर ए। आप बताइएगा कि सर आप पॉइंट ए है, ये नोड है कि नहीं है? तो आप लोग कहिएगा हाँ सर नोड तो है। आप ही आप अभी अभी आप बताएं कि दो पॉइंट अगर एक पॉइंट अगर दो एलिमेंट से कनेक्ट है तो उसको नोड बोलेंगे। तो क्या आप बताइए कि इसको जंक्शन भी हम बोल सकते हैं? जंक्शन के लिए कम से कम कितने एलिमेंट होना चाहिए? तो 3 एलिमेंट होना चाहिए। 3 एलिमेंट इसके पास है क्या? नहीं। तो आप बताइए कि सभी नोड जंक्शन हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 3 एलिमेंट लगा दे तब तो हो जाएगा, लेकिन ये नोड भी है जंक्शन भी है, लेकिन 2 एलिमेंट जब रहेगा तो इस केस में नोड होगा लेकिन जंक्शन नहीं होगा। तो 100% हम नहीं कह सकते हैं कि सारा नोड जो है वो जंक्शन होगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। समझिए इस चीज को, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम जब 2 एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, 2 एलिमेंट एक पॉइंट से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप बताइए कि 2 एलिमेंट जब हम पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जंक्शन नहीं हो रहा है, ये क्या है? सिंपली नोड है। तो अब सिंपली नोड है तो इसको हम जंक्शन कैसे बोलेंगे? नहीं ना बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, सब बताने लायक भी क्वेश्चन नहीं है। ये जो होता है अटेन्यूएशन एनडीवी जो होता है, जो इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है? तो आप बताइए कि अटेन्यूएशन एनडीवी जो होता है सोर्स पावर और लोड पावर इक्वल होता है। क्या होता है? सोर्स पावर और आपका लोड पावर, यानी यहाँ बताए थे पीएस बाई पीएल बताए थे आपको जब एटेन्यूएटर बता रहे थे, तो वहाँ पे बताए थे पीएस बाई पीएल, यानी यहाँ पे पावर ऑफ सोर्स बाई पावर ऑफ लोड। तो पावर ऑफ इनपुट बट्टा पावर ऑफ आउटपुट, तो P1 क्या है? आपका इनपुट पावर है। P2 क्या है? आउटपुट पावर है। तो P1 बाई P2, और ये आपका सही हो जाएगा। जब पावर की बात करता है तो 10 log P1 बाई P2 सही आंसर हो जाएगा। तो इसका A इज करेक्ट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब 13 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, क्योंकि अभी आपको पावर के लिए बताएं, अब आपको बताना है क्या यहाँ पे किसके लिए? तो वोल्टेज के लिए, कि यहाँ पे आपका V1 जो वोल्टेज है पोर्ट 1 का है और V2 आपका पोर्ट 2 का, यानी V1 जो है आपका इनपुट का वोल्टेज है और V2 जो है आपका आउटपुट का वोल्टेज है। देन द एटेन्यूएशन इन डीबी क्या होगा? एटेन्यूएशन इन डीबी क्या होगा? आप ही लोग बताएं, बताइए सभी लोग। तो आपको यहाँ पे तो होगा V1 बाई V2 तो होगा। एक चीज और है, इसमें क्या होता है? 20 लॉग होता है, ध्यान ये 20 लॉग कहाँ से आता है? तो पावर के फॉर्मूला होता है V² बाई R और I² बाई R। आर इक्वल टू हम लोग 1 कर देते हैं, तो सिंपली P बराबर V² हो जाता है, P बराबर I² हो जाता है। तो A² यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है 10 इंटू 2, आपका हो जाता है 20 लॉग हो जाता है यहाँ पे V1 बाई V2। तो इसका सही आंसर A इज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब फिर से इंतजार कर रहे होंगे सर आप टॉप 5 का रिजल्ट तो दे दिए, टॉप 4 का कब देंगे? तो चलिए वो लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया को थोड़ा सा छोड़ते हैं और रिजल्ट की दुनिया में आते हैं कि वह कौन स्टूडेंट है जो टॉप 4 में आए हैं और कितना मार्क्स गेन किए हैं और वो कौन से कॉलेज से हैं। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएं कि वो कौन से कॉलेज से हो सकते हैं। आप लोग काफ़ी क्या होता है कि गेस कर लेते हैं कि अगला टॉपर कौन सा कॉलेज से होने वाला है। तो बताइए आप लोग वो कौन से कॉलेज से होंगे। तो चलिए आपको शो करते हैं, कमेंट करके आप लोग बताते रहिए। यहाँ पे हमको शो कर रहे हैं कि वो कौन है। तो वो है, देखिए, जिनका आप लोग सोच रहे होंगे, गेस कर रहे होंगे, उनका गेस तो हद तक सही हो चुका होगा। वो है अभिषेक कुमार और दूसरा है कुमकुम और तीसरा है शुभम कुमारी जीपी डेहरी-ऑन-सोन, संजीव कुमार जीपी डेहरी-ऑन-सोन और विश्वकर्मा कुमार जीपी मुजफ्फरपुर। तो आप लोग देख रहे हैं जीपी डेहरी-ऑन-सोन का यहाँ पे चलवा किस तरह बिखर रहा है, अपना टैलेंट किस तरह आप लोग वो लोग सामने कर रहे हैं। तो आज आपको रात 8 बजे जो होने वाला है उसको आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। आज रात 8 बजे किसी भी हाल में आप लोग लाइव रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत सा चीज आपको बताए जाएंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में, उसके हिस्ट्री कैसे हुआ, किस तरह जो वो क्या हुआ कि आया आपके अभी तक जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस इतना फेमस हो चुका है। आप लोग को ये प्यार है कि आप लोग यहाँ तक पहुँचा चुके हैं, तो आप लोग और सपोर्ट कीजिए और द पॉलिटेक्निक क्लासेस के बारे में आप लोग सभी को बताइए कि वहाँ पे स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बहुत सा कोर्सेस चल रहे हैं। तो जो लोग अभी आप लोग 4th में हैं, 5th जाना है, 6th जाना है, तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ आवाज जुड़े एक बार अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं। तो जीपी डेहरी-ऑन-सोन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। तो आप लोग इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग सपोर्ट करते रहिए और बहुत से चीज़ को आप लोग गेन करते रहिए। हर एक तरह का क्वालिटी एजुकेशन आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से बेहतरीन ढंग से दिया जाता है। तो ये हैं टॉप फोर्थ रैंक का स्टूडेंट और इन लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन को सही करके ये टॉप 4th रैंक बने हैं, जिनमें एक अभिषेक कुमार हैं। ये कॉलेज नेम आपका नहीं लिखे थे, तो आप अगर लाइव हैं तो आप बताएं कि अभिषेक कुमार आप किस कॉलेज से हैं। उसके बाद कुमकुम कुमारी जीपी मुजफ्फरपुर और शुभम कुमारी, ये तो ऑलवेज टॉपर में रहते हैं, ये जीपी डेहरी-ऑन-सोन से। संजीव कुमार ये भी ऑलवेज टॉपर में रहते हैं। तो जीपी डेहरी-ऑन-सोन का यहाँ पे कंटिन्यू परफॉर्मेंस बेहतर ढंग से दिखता आ रहा है और आई होप आप लोग ट्राई कीजिए कि टॉप 1st रैंक पे जाएं। तो 6 सेमेस्टर में जिस तरह से रैंक पे जीपी डेहरी-ऑन-सोन आ रहे हैं, टॉप 3rd, टॉप 2nd, टॉप 1st भी काफी स्टूडेंट ने आए हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोग टॉप 1st आइएगा या नहीं आइएगा, या टॉप 4th में ही आप लोग खुश हैं। तो नहीं, आप लोग को टॉप 1st आना है। आप सभी डेहरी-ऑन-सोन तो एक हम बता रहे हैं, लेकिन आप सभी कॉलेज का स्टूडेंट टॉप 1st आएंगे, क्योंकि जितने कॉलेज का टॉप 1st आएंगे सभी को हम लोग वहाँ पे नाम शो करेंगे कि वो कौन कौन स्टूडेंट है, ठीक है। तो आप लोग 10 मार्क्स ला करके आए, तो नेक्स्ट टाइम ये 10 मार्क्स से कम 16 से 17 मार्क्स में इंक्रीजमेंट होना चाहिए। 10 मार्क्स से मैं खुश नहीं हूँ आप लोग से, तो ऐसा आप लोग कीजिएगा तो आप लोग समझ सकते हैं। मैं खुश नहीं होऊंगा तो फिर आपका टेस्ट में हो सके कि नहीं, हम लोग जब तक आप लोग ये अपना परफॉर्मेंस नहीं बताइएगा हमसे कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है सर, तब तक हम लोग भी क्या होता है कि उतना मतलब क्या होता है कि एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप लोग परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। तो आप लोग परफॉर्मेंस से इंक्रीजमेंट कीजिए, हम लोग भी आगे क्या प्लान है वो शो करने वाले हैं। और रात 8 बजे आप लोग देखना ना भूलिएगा, ये चीज़ आपको बार बार बताया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये है, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। क्या है कि वैल्यू ऑफ 1 डेसिबल इक्वल टू, तो 1 डेसिबल का वैल्यू क्या होता है। तो 1 डेसिबल का वैल्यू आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हम जब बता रहे थे, क्या ये जब हम बता रहे थे न्यूमेरिकल, तो वहां पे ये बताए थे। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी लोग इसको कमेंट करके हमें बता दीजिएगा और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। आप लोग कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे इसका भी आंसर हम नहीं बताएं, क्योंकि आप लोग सभी लोग लाइव रहते हैं वहां पे, तो ये भी आपको आंसर आप लोग को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे एन का वैल्यू निकालना है, जस्ट वो क्वेश्चन का ये अपोजिट है। तो देखिए वो क्वेश्चन था, आपको वहां पे डेसिमल का वैल्यू बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, ये यहाँ पे क्या होता है डेसिमल का आपको वैल्यू बताना है, और यहाँ पे इसका आंटी यहाँ पे क्या होता है एन का वैल्यू बता, दोनों का रिलेशन सेम है। तो इसका वैल्यू जो होता है देखिए क्या होता है, आपको हम आंसर बताए। आप लोग सोचेगा सर क्यों लगता है कि नहीं आता, इसके लिए क्या नहीं बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्त। ये आप लोग को ये कर रहे हैं कि ये कम से कम आप लोग भी एक कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप, एक ऐसा कॉन्फिडेंस बनाइए जिससे आपको अंदर से हर एक क्वेश्चन का सही आंसर आए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 log 10 ब्रैकेट में एन। अब इसी को हम लोग एन बराबर लिखेंगे, तो लॉग को हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग, क्या लिखते हैं एंटी लॉग। यहाँ पे देखिए इसका जो सही आंसर जो होगा देखिए यहाँ पे क्या है एंटी लॉग यहाँ पे होगा, और यहाँ पे जो डीबी देखिए यहाँ पे जो डीबी है डेसिमल का, ये आपका डीबी बाय क्या हो जाता है 20, ये यहाँ पे इंटू में है, ये आ जाता है यहाँ पे भागा में। तो इसका सही आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर कि एन बराबर एंटी लॉग डी बाय आपका 20। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से क्या था रिलेटेड था, तो आप लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे भी हम बताए थे जब एटोन्यूएटर आपको बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन बताए थे कि एटोन्यूएटर जो होता है क्या होता है कि ये रेसिस्टिव नेटवर्क होता है, इसमें R1 का R2 का RL का इस तरह से वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क और सिमेट्रिकल टी नेटवर्क का वैल्यू हम लोग देखते हैं, तो उसी का हम लोग क्या वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। R1 जब सिमेट्रिकल रहता है तो दोनों का क्या होता है सीरीज इंपीडेंस क्या होता है इक्वल होता है, इसमें R1 R2 का वैल्यू निकालते हैं। और पाई नेटवर्क में क्या होता है कि शंट इंपीडेंस जो होता है वो दोनों इक्वल होता है, और जैसे यहाँ सिमेट्रिकल करते हैं तो R1 R2 जो होता है अलग अलग हो जाता है, R1 R2 R3 वो तीनों का वैल्यू कैसे निकलता है वहां पे आपको बताया गया है पेड कोर्स में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 17 का। अब देखिए 17 का ये भी सबसे मजेदार क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर का सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये इतना रिपीटेड है कि सब्जेक्टिव में भी आप लोग को नहीं छोड़ता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि अल्फा अगर एटेन्यूएशन इन नेपर है, अल्फा अगर एटेन्यूएशन इन नेपर है देन एटेन्यूएशन इन डीबी क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा बता रहा है, कहीं कहीं आपको कुछ और से शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आपको बता दे कि 86 याद रखिएगा आप लोग, क्या 86 याद रखिएगा। ये 8686 आपका ये याद करने का काफी अच्छा ट्रिक है, यानी 8.686 एटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 8.686 जो होता है ये होता है आपका नेपर में। ठीक है, आपका डेसिमल में भी वैल्यू बताए गए हैं वहां पे, यहाँ पे नेपर में पूछा, नेक्स्ट टाइम हो सके कि इसका वैल्यू नेपर से इसका प्लॉट दिया जाएगा, यहाँ पे डेसिमल या नेपर आपको डेसिमल के टर्म में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे जाने से पहले आप लोग कहिएगा कि सर यहाँ पे आप 4th का तो बता चुके हैं, 5th का बता चुके हैं, तो 3rd का आप नहीं बताइएगा सर। तो ऐसा नहीं है, मैं रिजल्ट बनाया किस लिए था जब आप लोग को शो ऑन नहीं करूंगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन स्टूडेंट है जो टॉप 3rd आए हैं और कितने मार्क्स को वो गेन किए हैं, और वो कौन सा स्टूडेंट है। तो आप लोग गेस करके थोड़ा बता दीजिए हमें, क्योंकि गेसिंग पावर तो आप लोग को इतना ज्यादा मजबूत है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि गेसिंग पावर आपका कितना है। आप लोग बता देते हैं सही सही, तो ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं टॉप 3rd स्टूडेंट का जो है, उनके नाम स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग खुद ही देखिए कि क्या जीपी डेहरी-on-सोन कोई नहीं, यहाँ पे जीपी डेहरी-on-सोन नहीं है, यहाँ पे है चंदन कुमार जीपी मुंगेर, स्नेहा कुमारी जीपी पटना, प्रियम कुमारी जीपी नवादा। तो यहाँ पे जीपी डेहरी-on-सोन का स्टूडेंट मिस कर चुके हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोग आइए। अगर चंदन कुमार आप लाइव हैं तो बताइए, स्नेहा कुमारी आप भी लाइव हैं तो अभी कमेंट करके बताइए, और प्रियम कुमारी अगर आप भी लाइव हैं तो कमेंट करके बताएं। इन लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन को सही करके 3rd रैंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं खुद ही इन लोग का परफॉर्मेंस काफी अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है, बल्कि आप 3rd टॉपर हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि इंक्रीमेंट करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं सभी से चैलेंज करता हूं कि अगर ये सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे तो जो आपका सेमेस्टर में क्वेश्चन आने हैं वो आपको लोग 20 में 20 करके जरूर आइएगा, ठीक है, 20 में 20 करके जरूर आइएगा। आप लोग बताइए करके आइएगा कि नहीं। आप लोग को सारा प्रीवियस ईयर कराया जा चुका है, तो आप लोग बताइए प्रीवियस ईयर सब कंप्लीट करने के बाद भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, तो सारा क्वेश्चन आपको सेमेस्टर एग्जाम में बनेंगे या नहीं बनेंगे, आपको अभी हमें ये बताइए, सारे लोग बताइए हमें कमेंट करके। तो चलिए, आप लोग अभी तक जो स्टूडेंट इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं, आप लोग के लिए ये बेहतरीन मौका है। आप लोग को 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर आप अभी रहना है आपको, और द पॉलिटेक्निक क्लास के साथ अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ जरूर आप लोग जुड़ करके रहें। सभी स्टूडेंट को बताएं, पूरे बिहार में आप बताएं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं सारे को बताएं कि पूरे बिहार में ओनली फॉर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ही होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लफ्ज पे, ठीक है। तो आप लोग ये कब होगा, जब हम लोग बेहतर करेंगे, आप लोग के लिए बेहतर कर रहे हैं और ऑलवेज बेहतर करेंगे, तभी आप लोग भी कहिएगा यस सर द पॉलिटेक्निक क्लासेस जो है रियलिटी में द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है। तो फिर से हम लोग क्वेश्चन के दुनिया में चलते हैं, और यहाँ पे आप समझिएगा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको सामने अब न्यूमेरिकल पार्ट आने जा रहा है, तो आप न्यूमेरिकल समझने का ट्राई कीजिएगा। ओके, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18, और ये क्वेश्चन क्या जबरदस्त क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को बनाइएगा। यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आप लोग को कैलकुलेट करना है, तो पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए एंड के बीच के में आप लोग को क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है, तो जो हमें डिस्टर्ब करे उसको पहले वहां से साफ कर देना है, और ये आपका 3 ओम है, तो पैरेलल यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा है, तो पैरेलल बनाएंगे ये दोनों को, तो क्या होगा 1 × 2 और 1 + 2 होता है ना, R1 × R2 R1 + R2, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब इसका इक्विवेलेंट 1/3 अब सारा सीरीज में हो गया, क्यों करंट फ्लो करवाए, करंट पे डिवाइड होगा नहीं होगा, तो सारे को जोड़ दीजिए 4 + 1/3 + आपका 3, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा, तो 4, 3, 7। देखिए 7 कहाँ पे है, 7 + 1/3, 1/3 को कैलकुलेट कीजिएगा तो 0. क्या आएगा यहाँ पे 3, तो 0.3 इस तरह से आपको आएगा आंसर यहाँ पे। तो 7 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 7 आपका 0. क्या आएगा 3, इस तरह से ऑप्शन में है तो नहीं है, क्योंकि देखिए इसका आंसर जो होना है आपका वो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है आप लोग को, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए आप लोग कहाँ पे जा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 1 ओम और 2 ओम है, तो इसको तो इक्विवेलेंट 1/3 आ गया। इसको हम लोग अगर पॉइंट में करेंगे तो 3 से 1 में भाग देंगे, तो ये 0. ये आपका क्या हो जाएगा 3 बार में फिर से 3 आ जाएगा, तो 7.33 इसका सही आंसर हो जाएगा, 7.33 ओम। अब यहाँ पे ऐसा ए भी इसका सही आंसर हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, तो आप लोग किसके साथ जाना, अगर एग्जैक्ट नहीं मिले तो इसका नियरेस्ट आप लोग को जाना है। यहाँ पे 7 ओम कभी नहीं होगा, क्योंकि 7 से आपका ज्यादा होगा, तो आप सी को चूज कर सकते हैं कि सी आपका 7.67, शायद इसको ये देने में मिसप्रिंट हो चुका है, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, इसका सही एग्जैक्ट आंसर 7.33 ओम आएगा, और इसका सही आंसर जो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए कि नहीं है तो 7 ओम से ज्यादा होगा, तब 7.6 आप लोग चूज कर सकते हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। ये 19 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ये 19 क्वेश्चन भी सेम उसी की तरह है, ये आपको बताना है कि ए एंड बी के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से आप करंट फ्लो करवाइएगा, तो यहाँ तक तो करंट आपको आई अगर फ्लो करवाई आएगा, यहाँ से ये I1 इधर जाएगा और I2 आपका इधर जाएगा, ये I2 सेम जाएगा, ये I1 इसमें सेम जाएगा, इसमें I2 जाएगा, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा I हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा I1 + I2। तो ये दोनों में आपका सेम करंट जा रहा है, ये दोनों में सेम करंट जा रहा है, सेम करंट जा रहा है, डेट मिस कर सकते हैं हम ये दोनों सीरीज में है, तो ये सीरीज करेंगे दैट मीन्स 15 + 5 ये 20 हो जाएगा और 10 + 20 क्या हो जाएगा 30। अब ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस आपका यहाँ पे बन जाएगा, एक रेसिस्टेंस यहाँ, ये ऐसे कुछ ऐसे है, ऐसे है ना, ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा आप ही लोग बताइए, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर 20 और तो ये 20 गुने क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा पैरेलल में और 20 + आपका 30 हो जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 20 × 30 / 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 6 बार में कट जाएगा 30, 6 दूना आपका 12 ओम जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 12 ओम यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी है, 12 ओम आपका सही हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया है तो ये लाइव सेशन खत्म होने के बाद फिर से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं हर एक बेसिक पॉइंट को यहाँ पे क्लियर कर चुका हूँ। तो अब बारी है टॉप सेकेंड स्टूडेंट का कि वो कौन स्टूडेंट हैं जो टॉप सेकेंड में आए हैं। तो आप लोग थोड़ा गेसिंग करके बता दीजिए हमें कि वो स्टूडेंट कौन से हैं जो टॉप सेकेंड में आए। तो चलिए वो कौन स्टूडेंट है, किस कॉलेज से और कितना मार्क्स गेन किया है, तो उनके आपका जो है उनका रिजल्ट जो है आपके सामने ये रहा। ये हैं आस्था भारती, जीपी गया, और सिर्फ एक ही स्टूडेंट यहाँ पे हैं और इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन को सही करके ये टॉप आपका सेकेंड रैंक आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम ये मार्क्स से काम आपका नहीं चलेगा, ये फर्स्ट नेटवर्क टेस्ट का ये टॉपर स्टूडेंट थे और यहाँ पे ये आए हैं इस बार सेकेंड टॉपर। तो फर्स्ट टॉपर कोई और है, अब बताएंगे कौन है। अगर आप लोग जानते हैं या किन्हीं को लगता है कि अभी तक मैं टॉपर लिस्ट में नहीं आया हूं और मैं ही टॉपर रहूंगा, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम 13 से आपका मार्क्स इंक्रीज करना होगा, ठीक है। तो ये थे टॉप सेकेंड रैंक का स्टूडेंट और ये हैं आस्था भारती और ये जीपी गया का हैं, यानी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया। तो चलिए फिर से हम लोग लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है और उसका क्या है और वो कौन सा क्वेश्चन है और वो न्यूमेरिकल है और कौन सा न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं। तो देखिए वो न्यूमेरिकल क्या है, वो न्यूमेरिकल आपका ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ये देखिए यहाँ पे R का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसका नहीं R बराबर कितना ओम होगा। तो आप बताइए कि यहाँ से आपका वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है और रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक आ जाएगा, ये क्या है आपका पैरेलल में दोनों है, तो पैरेलल के लिए बताएं कि अगर सेम रेजिस्टेंस रहे तो ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधा। तो नया रेजिस्टेंस यहाँ पे बनेगा तो कितना ओम का होगा 5 ओम का होगा। अब यहाँ पे सीरीज में करंट हो गया, तो यहाँ पे सीरीज में करंट होता है तो क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, तो 5 + R। अब इसको हम लोग कर देंगे, अगर वोल्टेज के टाइम में वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो इसको कर देंगे 8। अब यहाँ पे आप KVL लगा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेसिस्टेंस इंटू आपका करंट होगा, रेसिस्टेंस इंटू करंट इक्वल टू क्या होता है वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज आपको कितना है, तो वोल्टेज यहाँ पे आपको दिया है 100 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे KVL लगा दीजिए, KVL लगाएंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का आपका क्या हो जाएगा 100, प्लस का हो जाएगा 5 + R इंटू हो जाएगा 8 इक्वल टू आपका 0। तो 5 + R क्या हो जाएगा, तो 40 + हो जाएगा 8R आपका हो जाएगा इक्वल टू 100, ठीक है। ये होने जाएगा तो 8R बराबर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, 8R इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 8R इक्वल टू हो जाएगा 100 - 40 इक्वल टू हो जाएगा 60। R बराबर क्या हो जाएगा 60/8 हो जाएगा, इस कट करेंगे तो 8 × 7 आपका हो जाता है 56, 4 और 8 × 5 आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो 7.5 ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल क्वेश्चन का सलूशन कर चुके हैं। अब बारी है टॉप फर्स्ट का, क्या टॉप फर्स्ट रैंक कौन सा। तो आप लोग टॉप फर्स्ट रैंक कौन सा है जो थोड़ा गेस करके बताइए और हमें ये भी बताइए कि नेक्स्ट टेस्ट किस सब्जेक्ट का होना चाहिए। आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो किस सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए और टॉप फर्स्ट कौन है उनके बारे में बताइए। आप लोग जल्दी बताइए टॉप फर्स्ट कौन है और नेक्स्ट आपका कौन सब्जेक्ट से टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जो सब्जेक्ट से आप लोग बताइएगा वही सब्जेक्ट से हम लोग टेस्ट लेंगे। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं टॉप फर्स्ट रैंक कौन है, और उनका नाम आपके स्क्रीन के सामने ये रहा और वो कोई और नहीं, वो है आपका राहुल कुमार। कौन है आपका राहुल कुमार, और ये जीपी पटना 7 शायद, जीपी पटना का है शायद, पटना 7 का ये है। अगर राहुल कुमार आप लाइव हैं तो बताइए पटना 7 से आप हैं। ये हैं राहुल कुमार और इन्होंने टोटल 20 क्वेश्चन में ये 14 क्वेश्चन को सही करके ये टॉप फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। टोटल 14 क्वेश्चन को ये सही करके टॉप फर्स्ट रैंक लाए। तो आई होप आप नेक्स्ट टाइम ये मार्क्स इंक्रीज करके 19 या फिर 20 आप कीजिएगा। ठीक है, आप टॉप फर्स्ट आइएगा 19 और 20 मार्क्स को लेकर की। तो आप लोग जल्दी से आए, बताते रहिए कौन सब्जेक्ट का टेस्ट है। अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है तो एक थंब देकर के बताइए, एक थंब देकर के सभी लोग बताइए अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो और नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट से आपका टेस्ट होना चाहिए। ये तो आज आप लोग को लास्ट टाइम बता रहा है और फिर से बता रहा है, कुछ ही देर में आप लोग को रात 8 बजने वाले हैं और वो आपके सामने आपको आएंगे द पॉलिटेक्निक क्लासेस का लाइव स्ट्रीम, और उनमें आपको बताया जाएगा बहुत सा चीजों को आप लोग को बताया जाएगा। वेट कीजिए आप रात 8 बजे का और लाइव जरूर रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। बहुत सा चीजों को सेमेस्टर से रिगार्डिंग, एग्जाम से रिगार्डिंग, किस तरह आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या है, इस सारे प्लान के साथ हम लोग रात 8 बजे आप लोग के सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग लाइव रहिएगा, कमेंट करके वो बता दीजिए कि सब लोग हम लोग सर लाइव रहेंगे वहां पे। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को शो कर रहा होगा, और अभी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इसको आप लोग शेयर करें। ठीक है, जितना से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अभी से ही शेयर कर दे और जितने फ्रेंड हैं उन सभी को बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब पूरे बिहार में गूंजना चाहिए, हर एक स्टूडेंट के माइंड में यह गूंजना चाहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप लोग से मैं यही आशा है कि आप लोग सभी लोग लाइव जरूर रहिएगा। ठीक है, तो इसी बात के साथ हम अभी आप लोग से विदा लेते हैं। तो ठीक है, थैंक यू।